फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत के साथ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुकर में मैं आधा कप ऑयल डालूंगी। मैंने दो लाल टमाटर लिए हैं, 10 से 12 हरी मिर्ची को बीच में मैंने काट लिया है, हरा धनिया और पुदीना एक मुट्ठी, दो लाल प्याज, इन सबको हम तेल में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चूल्हे को मैंने फास्ट रखा है फ्रेंड। इसमें एक टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। दो मिनट के लिए ढकना है फ्रेंड्स। दो मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे, टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। कुछ गरम मसाले जाएंगे, जिसमें काली मिर्च आधा टेबलस्पून, दो बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून सौंफ, दालचीनी, दो बादियान के फूल, 5 छोटी इलायची, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अदरक का थोड़ा कच्चापन खत्म हो जाए। इसके अंदर हम 3 आलू और आधा किलो मोटा मोटा हाथ का कीमा डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक कटोरी हरा मटर डालेंगे, डालकर अच्छी से मिक्स करेंगे। शान का कढ़ाई मसाला डालेंगे। शान का कढ़ाई मसाला मैंने आधा पैकेट डाला है। 1 नींबू का रस डालेंगे, मिक्स करेंगे। केसरी कलर डालेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर 1 कटोरी दही जाएगा। दही को मैंने फेंट लिया है। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है और 1 शिमला मिर्च को डालेंगे। चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल को मैंने डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मसाले में। मुझे यहाँ पर थोड़ा चावल में नमक कम लगा, मैं फिर से इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। चावल में पानी आप अपने चावल के हिसाब से देख कर डालिएगा। मैंने पानी इसमें अपने चावल के हिसाब से डाल दिया है और 1 सीटी आने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। माशाल्लाह, देखिए फ्रेंड, झटपट बनने वाला कीमा पुलाव, कोई ताम झाम नहीं, सब तैयार रखिए, फटाफट कुकर में डालिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।